दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अभिराज आईएएस का हमारा ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं जो आपके आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसी कड़ी में हम चलते हैं। देखिए एक कोट है, द रूट ऑफ एजुकेशन आर बेटर बट द फ्रूट्स इज स्वीट्स, यानी शिक्षा की जड़ें कड़वी है लेकिन फल बहुत ही मीठा है। ये कौन कहता है? ये कहता है अरस्तु कि शिक्षा की जड़ें जो है कड़वी होती है लेकिन जब इसका फल मिलता है तो वह कैसा होता है? मीठा होता है। यानी हम जब तैयारी पीरियड में होते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयां होती है, कभी कभी क्या होता है कि मन ऊब जाता है, लेकिन जब उसका रिजल्ट मिलता है तो इन सारी कठिनाइयों को हम भूल गए होते हैं। तो इसी कड़ी में हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। देखिए हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने 2020-21 के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया है? क्या जारी किया है? परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया है। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि क्या किया है, कौन सा मंत्रालय किया है। ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी उद्योग मंत्रालय और ऑप्शन डी परिवार कल्याण मंत्रालय। तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग जो है ये जारी करने का काम किया है कौन? शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय, यानी ऑप्शन आपका ए जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए देखिए प्रश्न अच्छा है, इसको देख लीजिएगा। इसके बारे में कुछ चीजें हैं उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने 2020-21 के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया है। यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूलों की शिक्षा प्रणाली का साक्ष्य आधारित व्यापक विश्लेषण है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स का मुख्य उद्देश्य साक्ष्य आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा देना और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण, कैसा? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यक्रम सुधार को रेखांकित करना है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में नीबा भूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बैंक के ग्राहक को स्वास्थ्य बीमा समाधान प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ अपनी कॉरपोरेट एजेंसी साझेदारी की घोषणा की है? तो यह किसके साथ की है? ऑप्शन ए एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन बी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ऑप्शन सी आईसीआईसी बैंक और ऑप्शन डी एक्सिस बैंक, यानी ये की है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ। क्लियर। तो चलिए इसके बारे में कुछ और चीजें पढ़ लेते हैं कि नीबा भूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिसे पहले मैक्स भूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के नाम से जाना जाता था, ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ अपनी कारपोरेट एजेंसी साझेदारी घोषणा की। यह बैंकों के ग्राहकों को स्वास्थ्य बीमा समाधान प्रदान करेगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? किसके साथ किया है आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी जापान। तो किसके साथ किया है? यह किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है ना। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? देखिए एक चीज इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन है उसको पढ़ लीजिए कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के साथ वर्चुअल बैठक की, यानी वहां के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री के साथ इन्होंने बैठक की। बैठक में क्या किया गया? कह रहा है कि यह बैठक इंडो ऑस्ट्रेलिया क्या कहते हैं इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट के अनुसमर्थन की स्थिति पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई, जिस पर अप्रैल 2022 में हस्ताक्षर किए गए थे। कब ये किए गए थे? अप्रैल में ही ये कर लिए गए थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि रक्षा अभ्यास कॉरपोरेशन विजिलेंट स्टॉर्म दक्षिण कोरिया आयर किस अन्य देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये किसके बीच किया जाता है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी फ्रांस। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं कि 3 नवंबर 2022 को निर्वाचन आयोग ने
गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 की घोषणा की। गुजरात विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं, ठीक, यानी नवंबर 3 को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। और जो है ये देखिए, एक साथ दो चुनाव हो रहा है, हिमाचल प्रदेश का भी चुनाव हो रहा है और गुजरात का भी चुनाव हो रहा है। लेकिन जो गुजरात हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना थी वो पहले जारी कर दी गई थी। गुजरात चुनाव की अधिसूचना जो है 3 नवंबर को जारी की गई है। गुजरात विधानसभा में टोटल जो है 182 सीटें हैं, ठीक है, इस चीज को समझने की जरूरत करिए। आगे जो है हमारा अगला प्रश्न है, क्या अगला प्रश्न है कि हाल ही में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, तो ये कौन किया है, ये किए हैं संजीव चोपड़ा। कौन किए हैं, संजीव चोपड़ा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। ये अगला प्रश्न है कि हाल ही में ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म अमेरिका और किस देश के बीच आयोजित एक रक्षा अभ्यास है। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी कतर, ऑप्शन डी उत्तर कोरिया। तो किसके बीच में है, ये उत्तर दक्षिण कोरिया के बीच में है, ठीक है ना। दक्षिण कोरिया अक्सर जो है क्या करता है कि आप देखेंगे कि अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास करता रहता है, क्योंकि हमेशा उसका टेंशन बना रहता है किससे, उत्तर कोरिया से। और उत्तर कोरिया किसका इन्फ्लुएंस में काम करता है, चाइना के और इस समय रशिया के। तो चाइना और रशिया के इन्फ्लुएंस में उत्तर कोरिया है, तो उसके अगेंस्ट में जो दक्षिण कोरिया है यह क्या है कि आप देखेंगे कि अमेरिका के इन्फ्लुएंस में हमेशा से बना रहता है। चलिए क्लियर, अब हम चलते हैं इसके कुछ व्याख्या भी देख लेते हैं। ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच आयोजित एक रक्षा अभ्यास है। इस अभ्यास का उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने विरोध किया है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका की वायुसेना विभिन्न हवाई ऑपरेशन जैसे स्ट्राइक पैकेज उड़ाने, वायु रक्षा और आपातकालीन हवाई अवरोधन का संचालन करने के परिचालन क्षमताओं को बढ़ाएगी। क्लियर, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा यह है कि 2 नवंबर 2022 को कितने 2 नवंबर 2022 को किस राज्य में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया गया है। तो ये ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार और ऑप्शन डी राजस्थान। तो ये किसमें किया गया है, यानी मध्य प्रदेश में। तो 2.0 यानी इससे पहले भी ये योजना क्या की गई है, शुरू की गई थी, फिर से इसको अलग से एक परिवर्तन के साथ शुरू किया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 मनाया जा रहा है कब से कब तक। ऑप्शन ए 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक, ऑप्शन बी 1 नवंबर से 7 नवंबर तक, ऑप्शन सी 2 नवंबर से 9 नवंबर तक, ऑप्शन डी 3 नवंबर से 9 नवंबर तक। यानी सही आंसर है 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, देखिए एक चीज आप समझ लीजिए इसके बारे में, कुछ चीजें हैं उसको कि केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा इसे मनाया जा रहा है, यानी सीबीसी के द्वारा इसको मनाया जा रहा है। किसके द्वारा, यानी सीबीसी, ठीक है ना। तो यह सीबीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा जो है इसको मनाया जा रहा है। और सतर्कता आयोग की स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, तो संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। 2003 से इसे क्या कर दिया गया है, वैधानिक आयोग का दर्जा दे दिया गया है। और इसकी थीम भ्रष्ट मुक्त भारत को विकसित करना है, ठीक है ना। यानी ये विजिलेंस की जो टीम होती है, जो भी लोग करप्शन करते हैं उन पर छापेमारी करते हैं सब, ठीक। अगला प्रश्न है कि कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये किसको चुना है। तो ये क्लाइमेट स्ट्रिक, बी लॉकडाउन, सी प्रेमेसिक्स और डी निप। तो ये किसको चुना है, प्रेमेसिक्स। तो अगले प्रश्न की तरह, यानी उथल पुथल वाला सफर, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है कि 2 नवंबर 2022 को किस राज्य ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है। ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी सिक्किम और ऑप्शन ए मेघालय। तो किसने शुरू किया है, यानी शुरू किया है आपका मेघालय ने, क्लियर। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी मेघालय को देख लीजिएगा। मेघालय के
बाद हमारे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यह है कि 3 नवंबर 2022 को जारी वर्ग 2020-21 के लिए राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स यानी PGI में उच्च श्रेणी स्तर सेकंड में कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं? कितने प्रदेश और केंद्र शासित हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन डी 10 और ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 13 यानी 13। तो कितने हैं? ऑप्शन बी यानी 7। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा यह है कि अब इसके कुछ चीजें हैं जो एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, तो इसको देख लीजिए। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स यानी PGI, इसका संबंध शिक्षा विभाग से है। PGI संरचना के लिए 70 संकेतकों में 1000 अंक शामिल किए गए हैं, जिन्हें 2 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, परिणाम शासन प्रबंधन, और इन श्रेणियों के आगे 5 उप श्रेणियां भी दी गई है। इसमें क्या है? सीखने के परिणाम, दूसरा पहुंच, तीसरा और रचना, चौथा समानता, पांचवा शासन प्रक्रिया और सत्ता। कुल 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों। तो इन 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन कौन से हैं? पहला है केरल, दूसरा पंजाब, तीसरा चंडीगढ़, चौथा महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ठीक है ना? ये आंध्र प्रदेश नहीं है, यह क्या है? आंध्र प्रदेश है आपका। ठीक है ना? आंध्र प्रदेश। क्लियर। अब चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि हाल ही में नीति आयोग देश की 75 सफल महिला उद्यमियों की किस बुक के चौथे संस्करण का लोकार्पण किया है? तो किस बुक के चौथे संस्करण का लोकार्पण किया है? ऑप्शन ए इंडिया फॉर यू कॉफी टेबल बुक, बी इनोवेशन फॉर यू कॉफी टेबल बुक, ऑप्शन सी इन्वर्टर फॉर यू कॉफी टेबल बुक, ऑप्शन डी एग्रीकल्चर फॉर यू कॉफी टेबल बुक। तो ये क्या है? इनोवेशन फॉर यू कॉफी टेबल बुक, यानी है आपका आंसर बी। क्लियर। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? किस धाम को किया है? ऑप्शन ए गोगा मेडी, ऑप्शन बी खाटू श्याम धाम, ऑप्शन सी मानगढ़ धाम, ऑप्शन डी मथुरा धाम। तो देखिए ऑप्शन जो सी है मानगढ़ धाम, इसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है? राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। क्लियर। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा यह है कि 5 नवंबर को निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी 5 नवंबर को किस डे के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, बी विश्व पोलियो जागरूकता दिवस, सी विश्व जल जागरूकता दिवस, डी विश्व शिक्षा जागरूकता दिवस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपकी विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है इसे। किस रूप में? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में। इसकी कुछ व्याख्याएं हैं, इसको देख लीजिए। क्या है? कह रहा है कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर वर्ष 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य भविष्य में आने वाली सुनामी आपदा को लेकर पहले से ही लोगों को जागरूक करना है। क्या करना है? लोगों को जागरूक करना है कि यदि सुनामी आ जाए तो उसके खतरे से कैसे निपटा जाए। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य जो है क्या कह रहे हैं कि ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आसाम और ऑप्शन बी डी पंजाब। तो कौन करेगा? यानी ऑप्शन बी केरल करेगा। ठीक है ना? तो ऑप्शन बी केरल करेगा। इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लीजिए। केरल साइकिलिंग के सबसे बड़े टूर्नामेंट में से एक ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी केरल राज्य करेगा। यह मेजबानी 25 से 28 नवंबर तक करेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय क्रिकेटर ने T20 विश्व कप के इतिहास में 3 या अधिक और शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? तो कौन ऐसा भारतीय खिलाड़ी है जो कि 3 या इससे ज्यादा क्या और शतक बनाने वाला पहला खिलाड़ी बना है T20 विश्व कप में? ऑप्शन ए अजिंक्य रहाणे, ऑप्शन बी दिनेश कार्तिक, ऑप्शन सी विराट कोहली और ऑप्शन डी अनिल कुंबले। तो यह सही आंसर हो जाएगा विराट कोहली। ठीक है ना? अभी धुआंधार बल्लेबाजी विराट कोहली कर रहे हैं
और आशा है कि ये आगे इसी तरह से करते रहे, वर्ल्ड कप लेकर के आए, हम लोगों की शुभकामनाएं उनके साथ हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के किस पहले व्यक्ति ने हिमाचल प्रदेश के कल्प में अपने घर से पहली बार बैलेट पेपर से 14वीं विधानसभा के लिए मतदान किया? ऑप्शन ए श्याम शरण नेगी, ऑप्शन बी प्रवीण कुमार नेगी, ऑप्शन सी सुषमा प्रकाश नेगी, ऑप्शन डी अनिल कुमार नेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? श्याम शरण नेगी, यानी ऑप्शन ए श्याम शरण नेगी। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के कल्प ने देश में पहली बार बैलेट पेपर से 14वीं विधानसभा के लिए मतदान किया है। क्लियर। अब चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित इला भट्ट जी का निधन हो गया, वे किस संस्थान की फाउंडर रही है? तो इला भट्ट किस संस्थान की फाउंडर रही है, तो इनके बारे में थोड़ा सा समझ लिए। ऑप्शन ए राजनीतिक कार्यकर्ता और शिक्षा संस्थान की फाउंडर, ऑप्शन बी सामाजिक कार्यकर्ता और भोजन संस्था की फाउंडर, ऑप्शन सी नारी कार्यकर्ता और जल संस्थान की फाउंडर, ऑप्शन डी बालिका कार्यकर्ता और सेवा संस्थान की फाउंडर। तो ये एक सामाजिक कार्यकर्ता रही है इला भट्ट, और सामाजिक कार्यकर्ता है, और भोजन संस्था की ये क्या रही है? फाउंडर रही है। ठीक है ना। तो ये देख लीजिए कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम इनके बारे में कुछ थोड़ी सी और जानकारी ले लें। कह रहा है कि सामाजिक कार्यकर्ता और सेवा संस्थान की फाउंडर 89 इयर्स की उम्र में सामाजिक कार्यकर्ता और सेवा संस्थान की फाउंडर इला भट्ट का क्या हो गया? निधन हो गया। ठीक। तो देखिए इस प्रकार से ये टोटल जो है हम लोगों के आज के जितने भी करेंट अफेयर के प्रश्न थे उसको हमने आप लोगों के सामने रखा। आशा है ये सीरीज आप लोगों को अच्छी लग रही हो। और हां मैं बार बार एक सूचना दे रहा हूं कि हमारी ऑफलाइन बैच जो है विराज आईएएस एकेडमी जो लालपुर रांची हरिओम टावर के ठीक सामने वाले टावर में है, आप यहां आइए अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। आप तुरंत इस प्रोग्राम का लाभ उठाइए। और हां जो है 6 नवंबर को 10 बजे से क्या होने जा रहा है, जेएसएससी का टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है। 6 नवंबर को 10 बजे आप हाजिर होकर के हमारा ये फ्री टेस्ट प्रोग्राम शुरू हुआ है, तो इस फ्री टेस्ट प्रोग्राम में आप भाग ले सकते हैं। पहला टेस्ट हम लोगों का पूरी तरह से फ्री है, कोई कास्ट नहीं। आप हमारे मैटर को देखिए, परखिए और इस संस्थान से जुड़िए, यही हमारी शुभकामना है आप लोगों के साथ। तो चलिए मिलते हैं फिर इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।